नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर के जमसौत पंचायत में मठियापुर में हम आए हुए हैं और यहाँ जनता जनार्दन से बात करेंगे कि मौजूदा मुखिया जी फेल हो गए हैं क्योंकि कोई भी पंचायत में विकास नहीं हुआ। नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सब सारा फेल है। आइए जनता से बात करते हैं कि क्या मुखिया जी के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया। देखिए, जितना मुखिया जी जो किए ना, कुछ उनके कुछ जो आदमी हैं जो जिसे उनके समझे चमचे जो उन्हीं का वो हाँ 10-12 चमचे जो हैं उन्हीं का काम हुआ है, समझे। उन्हीं का जहाँ गोतिया पड़ोसिया अपना आदमी है वहीं पर काम हुआ। फालतू जो जनता है वो सब समझ लीजिए कि साइड कर दिया गया है। जाके आप देख सकते हैं हमारे घर तरफ, समझे। अभी रोड भी कच्चा है, खराब भी हो गया, बेकार ही रहा। तो मेरे तरफ से तो हम यही कहेंगे कि भाई बदलाव हर जगह जरूरी है। क्या कि बदलाव नहीं रहेगा तो एक मुखिया सोचेगा कि तो हमेशा वही कमाई दे रह जाएगा। क्या कि तो क्या इस बार आप लोग चाह रहे हैं कोई नया चेहरा? हाँ, एकदम नया चेहरा चाह रहे हैं। नया? हाँ। आप बताइए पापा। हाँ, हमने लाभ। आप बताइए, आप बोलिए भैया, मुखिया जी के द्वारा कोई विकास हुआ है क्या? हम कोचे बोल सकते हैं, मेरा भाई है ठहरा है। कौन में, क्या नाम है? दीनानाथ प्रसाद। मुखिया जी में, मुखिया में? हाँ, मेरा भाई साहब मुखिया में खड़ा है। नहीं, जैसे कि अभी जो वर्तमान वर्तमान में जो अभी मुखिया है उनके द्वारा कोई विकास हुआ है आपके पंचायत में? विकास तो हम कुछ नहीं, हम लोग ड्राइवर, हम लोग बाहर रहते हैं तो हम तो जाने आपके नहीं। जो भी जो पैसा वाला गांव में है ना, बड़े बड़े रईस जो पैसा वाला है उन्हीं लोग का समझ लीजिए चमचा के थ्रू, उन्हीं के आदमी के थ्रू इंदिरा आवास पास हुआ, शौचालय पास हुआ, समझ लीजिए। जो गरीब जो सही में गरीब है उसके पास जमीन स्तर पर कोई काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। अरे रुके, जाके देख लीजिए, जनता से पूछ, जनता रही जा, कुछ नहीं मिला। सब मिला तो बड़े बड़े वाला के मिला, हाँ गरीब का कोई नहीं। आप बताइए पापा, हमको राशन मिलता है, 5 साल हो गया, कुछ नहीं। तो चाह रहे इस बार नया चेहरा देखना? हाँ, देखेंगे, नया मुखिया दम देखेंगे। आप बताइए। अरे हम लोग के तो ये टंकी वाला पानी भी नहीं दिया, 6 नंबर में पानी भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो क्या इस बार आप लोग चाह रहे एक चेहरा, नया मुखिया? नया मुखिया बदलना है इस बार, एकदम सीधा देखे कि जनता जनार्दन में आक्रोश आ गई है और जनता जनार्दन सीधा कर रहे क्या बदला बजेगी। हाँ, तो बोलिए, का बात यही है कि मुखिया जी कमाने में लग गए, 5 साल सिर्फ कमाए, उनका जो जितना भी आदमी था सब कमाया, और जहाँ जहाँ अपना आदमी था वहाँ कुछ काम किया, थोड़ा बहुत दिखाया, बस वही सब, यही टंकी देख रहे हैं, बस टंकी यही लगा हुआ है, बस पानी जा रहा है। और इसका भी समझ लीजिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब मन तब, समझे, जब मन तब खोल दिए। अब बताइए, हाँ कहाँ सबको? नहीं, यहाँ इसी पंचायत का, सब और कोई गांव का, जैसे मटियापुर हो गया, अलग नगदा गांव हो गया, ढिबरा गांव हो गया, जितना पंचायत में जितना गांव है, 7 गांव है, तो सबको अपना इंदिरा आवास लेने के लिए 30,000-30,000 रुपया मुखिया को देना पड़ेगा। एकदम डायरेक्ट मुखिया जी मांगते थे कि पैसा हमको दीजिए भाई, मुखिया, हाँ वार्ड सदस्य की पैसा दीजिएगा, तभी आपका, अगर आपका आपका इंदिरा आवास आ गया है ना, तो आपको उसको पैसा लेने के लिए अकाउंट से आपको 30,000 मुखिया जी को देना पड़ेगा, तब जाके आपको अथी किए, तब जाके। हाँ, शौचालय? शौचालय तो भाई सब कर रहे हैं, सब पैसे वाला आदमी के लिए, हम लोग की कुछ गरीब आदमी के देखिए, आप लोग तो बोले कि पास हो गया, पैखाना वाला पैसा नहीं आया, आज तक नहीं आया। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं यही कि जो भी काम हो रहा है, छत हो चाहे तो झोपड़पट्टी, हुआ क्या है, जिससे मान लीजिए जो गरीब आदमी सही में जमीनी तबका पर जो आदमी है वो क्या बेचारा अपना फॉर्म तो भर दिया मुखिया के सामने, लेकिन जो सब उसका बड़ा बड़ा जो आदमी है वो लोग जो आदमी है क्या किया कि सीधा नामे कटवा दिया, क्या रही इसको हटाओ। गरीब आदमी जिसे गरीब आदमी के पास पहुंचा ही नहीं, जो सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कह रहे हैं अच्छा अच्छा जमीन वाला के इंदिरा आवास लेने से क्या फायदा है, सरकार भी जांच नहीं करती है, जो आता है ऊपर से भी ऑफिसर आता है, सब मिली भगत है, सब मिल मार के खा गया, बैठ गया, कोई क्या नहीं। नाम आपका? नाम मेरा चिकू कुमार हुआ। सीधा देखिए कि यहाँ जनता जनार्दन सीधा तत्पर है कि इस पर बदलाव का बिंगुल बजेगा, क्योंकि मौजूदा मुखिया जी फेल हो गए हैं, नया चेहरा नया उम्मीदवार आएगा जो पंचायत में विकास कर सके। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24।